वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, ओके बेटा, चलो हम कर रहे थे, हाँ, चैप्टर नंबर 10, सर्कल एक्सरसाइज। आज करेंगे 10.3, क्लास 9। ओके, हमने लास्ट दो थ्योरम किए थे, थोड़ा थोड़ा मैं उनका रिव्यू कर लूंगा। ओके, पहले थ्योरम ने हमने आई थिंक ये किया था कि एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड बनाया था ए बी करके, ठीक है, और सेंटर से मैंने क्या किया था, एक परपेंडिक्यूलर खींचा था ए बी के ऊपर, साइड दैट ये 90 डिग्री बने, ये 90 डिग्री बने, तो वो परपेंडिक्यूलर क्या कर रहा था, ए बी को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। ओके, एक चीज यहां पर दो ये बनाया था, और दूसरा थ्योरम में से कन्वर्स पार्ट था कि एक बाइसेक्टर मैंने खींचा था, साइड ए बी को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है। इसके बाद हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ओके बेटा, और यहां से लेकर ये तो आर है, ये भी लेकर आर है, रेडियस है, रेडियस तो सेम ही रहते हैं, ये दो थ्योरम के। तो और तीसरे थ्योरम में हमने क्या किया था, हमने कोई भी तीन पॉइंट लिए थे बेटा, इस तरह से ए बी सी, और हमने एक प्रूव किया था कि ए बी सी से हमें एक सर्कल, यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें एक प्रूव करना था थ्रू द पॉइंट ए बी सी, हमें सिर्फ एक ही सर्कल पास करते हुए मिलना चाहिए था, हमें यह प्रूव करना चाहिए था। इसके लिए हमने क्या किया था, ए बी को ज्वाइन कर लिया था और बी सी को भी ज्वाइन कर लिया था, ए बी का बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, ठीक है। और इसके बाद ये जब वहां पर मिलता है परपेंडिकुलर, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट होता है, परपेंडिकुलर दोनों यहां पर जो इंटरसेक्ट होता है, सपोज वो पॉइंट को मैं लेता हूं ओ, फिर ओ से ए को आप ज्वाइन कर लेते हो, ओ से बी को ज्वाइन कर लेते हो और ओ से सी को ज्वाइन लेट कर लेते हो, सच दैट ये तीनों डिस्टेंस आपको बराबर मिल जाते हैं आर आर, तो आप किसी आर को ओ से लेकर आर तक, यानी आर डिस्टेंस लेकर, यानी ओ को सेंटर मान के और ओ से लेकर आर को रेडियस मानकर, या ओ से लेकर बी को रेडियस मानकर एक सर्कल आप ड्रा करते हो, सच दैट वो सर्कल बराबर ए बी से पास करते हुए आपको मिलते हैं, और आपको ऐसे एक ही सर्कल मिलता है जो ए बी सी से पॉइंट ए बी सी से पास होता हुआ मिलता है, ठीक है। ओके बेटा, ये हमने रिव्यू कर दिया तीनों थ्योरम्स का। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, इसमें ये बोलता है बेटा, इसमें ये बोला गया है ड्रा पेयर्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, आपने अलग अलग तरह के सर्कल्स बनाने हैं और बोलना है हाउ मेनी पॉइंट्स दैट ईच पेयर हैव इन कॉमन। अब आपको ये देखना है कि जो पेयर ऑफ सर्कल आपने बनाया है इनमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, और ये भी बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, और मैक्सिमम इंटरसेक्ट होने के बाद, टच होने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना मिलता है, ये हमने प्रूव करना है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे बेटे, आपने पहले सर्कल्स बनाएंगे, देखो आप एक बराबर दो सर्कल, छोटे दो सर्कल बना सकते हैं बराबर, ठीक है, और ये दोनों को इंटरसेक्ट मीट नहीं हो रहा, ओके, और इसके साथ आप एक छोटा और एक बड़ा सर्कल बना सकते हैं, ओके, और इसके बाद आप दो सर्कल को एक ही पॉइंट पे मीट करते हुए बना सकते हो, और आप दो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बना सकते हो, दिस इज द फोर पॉसिबिलिटीज, ओके, फोर पॉसिबिलिटीज में दो बराबर सर्कल, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, या टच नहीं कर रहे बराबर, दो सर्कल एक पॉइंट पर मीट कर रहे, दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो यहां पर जब दोनों पॉइंट सर्कल अलग अलग है तो दोनों किसी पॉइंट में मीट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, नो पॉइंट इन कॉमन, पहले केस में आप क्या लिखेंगे, नो पॉइंट इन कॉमन, पहले दो पेयर में, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे फिर वही पॉइंट, नो पॉइंट इन कॉमन। अब इधर देखो यहां पर ये दोनों सर्कल एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है, जस्ट एक वन पॉइंट, यानी कि टच कर रहा है, जब दो सर्कल कोई टच करता है तो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे बस, यहां पर एक ही पॉइंट पे वो दो सर्कल मीट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक, अब बताओ यहां दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करता है, एक दोनों को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, डिवाइड करता है, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, सच दैट इसका थोड़ा हिस्सा यहां आ जाता है, उस सर्कल का हिस्सा उस सर्कल में चला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करता है,
तो ये इंटर दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो इनमें कॉमन पॉइंट्स कितने आते हैं, दो आता है, दो कॉमन पॉइंट्स आता है, टू पॉइंट्स इन कॉमन। ओके बेटा। अच्छा आप एक पॉसिबिलिटी आप लिख सकते हैं इसमें यह है कि एक सर्कल आप बनाए ऐसे जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है और इसी सर्कल के ऊपर आपने ओवरलैप बनाया यानी सुपर इम्पोज किया सर्कल, वो सर्कल बराबर इस सर्कल को कवर करे। मैं दूसरा एक सर्कल बनाऊंगा, दूसरा एक सर्कल बनाऊंगा सर्कल, वो दोनों सर्कल बिल्कुल कॉन्गर्न होगा, यानी कॉन्गर्न होंगे, ये एक सर्कल ही, ये दोनों सर्कल बराबर है, बराबर कॉन्गरेंट है, दोनों का रेडियस सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सर्कल को इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ। ओवरलैप मीन्स इसके ऊपर इस तरह सुपर इम्पोज करूंगा सच दैट ये सर्कल बराबर इसको कवर कर लेगा, ये नीचे वाले सर्कल पर ऊपर वाला ये दूसरा वाला सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, पूरा एक्जेक्टली कवर कर रहे हैं। यहां पर एक्चुअली दो सर्कल है, पहले एक सर्कल था उसी के ऊपर मैंने एक सर्कल को ओवरलैप करवाया सच दैट ये दूसरा सर्कल पहले सर्कल को बराबर एक्जेक्टली कवर कर दे। ओके इस तरह मैंने सर्कल बनाया। अच्छा ये सर्कल में मुझे ये बताओ कॉमन पॉइंट्स इन दोनों सर्कल में कितने होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आएंगे क्योंकि जितने ये सर्कल और दूसरे सर्कल बराबर एक्जेक्टली सारे पॉइंट पहले सर्कल के सारे पॉइंट्स दूसरे सर्कल के साथ मिल जाएंगे और एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। ठीक है तो कॉमन पॉइंट में आ जाएंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, लेकिन आपने इस केस को नहीं लेना है, आपको इंटरसेक्टिंग सर्कल ही लेना है। ठीक है ये तो ओवरलैपिंग सर्कल से यह अलग मुद्दा है, आपने इंटरसेक्टिंग सर्कल ही लेना है। ठीक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट टू पॉइंट होंगे, आप ये कंडीशन को इरेज कर लेंगे। अच्छा हाउ मेनी पॉइंट हैज ईच पेयर इन कॉमन, तो कॉमन पॉइंट एक लिख लिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इसमें आता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इक्वल टू टू, बस ओके बेटा दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको क्या बोला गया है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, आपको एक सर्कल दिया गया है, मैं एक सर्कल बनाऊंगा यहां पर आपको अच्छी तरह से प्रकार के साथ एक सर्कल का प्रोटेक्टर कंपास के साथ एक सर्कल बनाना है। ओके और गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, आपको एक कंस्ट्रक्शन के जरिए इसका सेंटर फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर कहां है, इसका सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले आप लिखेंगे, पहले स्टेप में आप लिखेंगे ड्रा एनी सर्कल, पहले आप कोई भी एक सर्कल ऐसा ही बना लो, रफली एक सर्कल बनाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप लिखेंगे टेक एनी थ्री पॉइंट्स, ए बी एंड सी ऑन द सर्कल, आपने सर्कल के ऊपर कोई दो तीन कोई भी तीन पॉइंट आपने चूज करना है बेटा। मैं यहां पर चूज कर लूंगा ए बी सी, ओके। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, आप इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ए से लेकर बी को इस तरह से ज्वाइन करेंगे,
सीधे लाइन से ज्वाइन करना मेरा टीरा हो गया, ठीक है, और एसी को भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद तो फोर्थ स्टेप में आप करेंगे बेटा ड्राई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप देखो ए बी साइड है, ये ए बी साइड है ना, इस ए बी साइड का आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आप प्रकार लेंगे या कंपास लेंगे, कंपास नेडल को यहां रखेंगे और कंपास नेडल को आधे से ज्यादा खोलेंगे, मतलब तकरीबन आधे से इतना खोलेंगे। इतना खोलने के बाद एक मार्क यहां करेंगे और एक कट अंदर करेंगे, और ऐसे ही रखना है, इसको हिलाना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना है, कंपास की नेडल को यहां रखना है और पेंसिल को ऐसे रखा, इसको रखने के बाद यहां फिर से टच करना है, तो यहां पर एक कट करेगा, यहां पर भी टच करना है, यहां इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद ये आपको इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है बेटा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लिया, सपोज मैं इसको लूंगा एल और इसको बोलूंगा मैं एम, ठीक। और इसी तरह आप फोर्थ फिफ्थ स्टेप में आप करेंगे ड्राई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसका आप लिखेंगे, सपोज नाम लिखो पी क्यू एल एम और इसके बाद रखो पी क्यू ऑफ ए सी। आप इसके बाद सेम ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी को ही बनाएंगे, आपने सी के ऊपर नेडल रखना है, पेंसिल को आधे ज्यादा खोलना है, एक मार्क यहां करना है, एक मार्क यहां आएंगे और इसी तरह यहां पर रखना है, तो यहां पर रखने के बाद नेडल को यहां रखने के बाद इसको भी कट करेंगे, तो यहां पर ये कट हो जाएंगे और यहां पर भी ये इस तरह से कट हो जाएंगे। जहां पर कट होता है ऐसे यहां इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है, ऐसे इन दोनों को मिलाना है। मिलने के बाद यहां पर पी रख क्यू रखो, यहां पर पी रखो पॉइंट। अच्छा ध्यान से देखो, एक परपेंडिकुलर ये था, एक परपेंडिकुलर कहां से हमने बनाए थे, ये वाला एक परपेंडिकुलर ये था जो हमने ए बी साइड का बनाया था, और दूसरा परपेंडिकुलर ए सी साइड का बनाया था ये, और ये दोनों परपेंडिकुलर क्या मीट हो रहा है, जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर मीट हो रहा है ना, जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रहा है उसको आप ले लो ओ, और यही आपका सेंटर बनेगा, ओके। हम बनेंगे इसके बाद सिक्स स्टेप पे बोलेंगे लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्या लिया था, एम एल एन पी क्यू मीट या इंटरसेक्ट्स, या मीट इंटरसेक्ट लिखो अच्छा रहेगा, इंटरसेक्ट्स एट ओ, ओ के ऊपर इंटरसेक्ट होता है ना। अब ओ क्या बनेंगे, अब इसके बाद बनेंगे सो या दस, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको एक सर्कल दिया गया है, आपने कंस्ट्रक्शन के जरिए इसका सेंटर फाइंड करना था। इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया बेटा, मैं यहां पर अलग से छोटे छोटे करके बनाऊंगा, मैंने एक सर्कल बनाया इसे, और उसके बाद क्या किया, ड्रा एनी थ्री पॉइंट, यानी इसके बाद क्या किया, टेक एनी थ्री पॉइंट ए बी और सी, ऐसे मैंने तीन पॉइंट ले लिए। इसके बाद क्या किया, ज्वाइन ए बी सी, आपने ए बी को ज्वाइन कर लिया, ए सी को ज्वाइन कर लिया और बी सी को ज्वाइन कर लिया, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए बी का, ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, नीडल को यहां रखना है, आधे से ज्यादा खोलना है, एक कट यहां करेंगे,
यहाँ निरल रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे, एक कट यहाँ मारेंगे, और सेम चीज यही रखना था, और यहां से एक कट। ओके, कट करने के बाद ये दोनों मिल, ये दोनों पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है उन दोनों को मिलाना है, और एक को आप रखेंगे एल, ये आप एल है, यहां पर एम पॉइंट है। ओके, और सेम चीज आपने एसी साइड को भी बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए कट यहां, एक कट यहां, और यहां पर निरल रख रहा, अब यहां पर निरल रखेंगे, इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ये वो परपेंडिकुलर कूब खींचा, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये दोनों परपेंडिकुलर कहां मीट होता है, इस पॉइंट पे मीट होता है, इंटरसेक्ट होता है, जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वही सर्कल का सेंटर बनेगा बेटा। अच्छा ओके देन, आज के लिए यही करना था, और ये आपका सेंटर फाइंड करना था सर्कल का। ओके, आज के लिए इतना काफी है, हमने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 10.3 का। फिर एक ग्रुप क्वेश्चन बचते हुए अगले वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफिज़।